इलाके में झारखंड की महिला की हत्या का मामला सामने आया। महिला की हत्या कर शव के 30 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए, फ्रिज में रखा गया। महिला झारखंड की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार झारखंड की 29 साल की महिला का 30 टुकड़ों में कटा हुआ शव व्याली कावल इलाके में एक फ्लैट में फ्रिज में मिला है। महिला की पहचान हेमंत दास की पत्नी महालक्ष्मी के रूप में हुई, जो फ्लैट में अकेली रहती थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति अपनी बेटी के साथ अलग रहता है। महालक्ष्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी। और कर्नाटक के मल्लेश्वरम में महालक्ष्मी के रहने की खबर है। मल्लेश्वरम में एक फैक्ट्री में वो काम करती थी, स्टाफ मेंबर के रूप में काम करती थी महालक्ष्मी। इसकी भी जानकारी आई, पिछले 2 हफ्तों से वो फैक्ट्री गई ही नहीं थी। कंपनी की ओर से कई बार उसे फोन भी मिलाया गया, लेकिन महालक्ष्मी का फोन लगातार बंद आ रहा था। फैक्ट्री के उसके साथियों ने भी फोन किया, लगातार फोन के बाद भी कोई जवाब जब नहीं मिला। फ्रिज में महालक्ष्मी का शव 30 से ज्यादा टुकड़ों में मिला है। और बिहार में जहां 2 लाख रुपए में फर्जी आईपीएस बनाया जा रहा है, तो झारखंड में 1.25 लाख में होमगार्ड जवान की तैनाती हो रही है। रांची में ये बड़ा खुलासा विभाग की जांच में हुआ। धुरवा थाने में शिकायत के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जो पिछले 2 साल से फर्जी तरीके से बहाली के बाद होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद आसिफ अंसारी ने माना कि इसके लिए उसने कैलाश नाम के एक व्यक्ति को 1,30,000 रुपए दिए थे। विभागीय जांच में ये बात सामने आई है कि पैसे लेने वाला कैलाश यादव कोई और नहीं, होमगार्ड में ही डिप्टी कमांडेंट है, और उसने एक लापता जवान के नाम पर उसको ड्यूटी दे दी थी। अब आरोपी डिप्टी कमांडेंट सहित 3 आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। कितना दिए थे? 1,30,000। कौन लिया था? कैलाश। कौन कैलाश? डिप्टी कमांडर था वहाँ का। कब की बात है? 2021 लास्ट। अच्छा, 2021 लास्ट में 1,30,000। और उसके बाद क्या दिया? वो बीच बीच में कभी कभी ड्यूटी देता था। क्या क्या, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगा था? कौन कौन जिला? रांची में ही। और हजारीबाग में प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। उससे पूछताछ के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पदमा थाना क्षेत्र के कुरहगड़ा गांव का है, जहां एक व्यक्ति पिछले कुछ समय से कबाड़ का सामान खरीदने आता था, लेकिन लोगों को शक हो गया, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से प्रतिबंधित मांस की खेप मिली। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू ने सब कुछ उगल दिया। वो पिछले 5 महीनों से इस इलाके में कुछ लोगों को प्रतिबंधित मांस बेचा करता था। आरोपी इरफान गया के शेरघाटी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। छोके जी, यहीं पर पूरा दिए हुए हैं। नाम बताइए फिर से। प्रणाम सर। मोहम्मद इरफान बताएं। और जिसको इसको दिए हैं? हाँ, समीम भाई। समीम भाई। हाँ। और किसी को दिए हैं? बबलू। बबलू, आपके पास आइडेंटिफाई है? कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी? हाँ, घर पे है ना। घर अभी आपके पास क्या है? अभी कुछ नहीं, फोन नंबर। और आप इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ देते हैं? ये सिर्फ आया था, बुलाया था। पूरे 5 महीने से केवल यहीं दे रहे हैं कि और भी क्षेत्र में कहीं दे रहे थे? अगर कहीं पता चल गया तो दिक्कत होगा आपको, इसलिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं अभी। नहीं, सच बता रहे हैं। सच बता रहे हैं।